हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर और कि कौन सी प्रोग्रेशन आगे आती है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है। ठीक है, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरा डिस्कस कर लिया है, अर्थमेटिक मीन हमने डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आने के चांसेस थे। ठीक है, ऐसे ही आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है हमारे पास। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको कि हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रसीडिंग टर्म से डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है, या फिर सीक्वेंस के अंदर जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होती है उनका डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। ऐसे ही आपका आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर आपका हर एक सक्सेसिव टर्म का अपनी प्रसीडिंग टर्म से रेशियो सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। रेशियो कब निकलता है, जब आप डिवाइड करते हैं। रेशियो कब निकलता है, जब आप डिवाइड करते हैं, यानी कि रेशियो ऑफ एनी टर्म्स टू द प्रीवियस टर्म इज कॉन्स्टेंट। रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस टू इट्स प्रीवियस टर्म इज कॉन्स्टेंट एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अब मैंने फर्स्ट टर्म क्यों छोड़ दी, क्योंकि फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म होती ही नहीं है, नहीं होती है ना। ठीक है, तो उसका रेशियो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम किसका, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म के रिस्पेक्ट में, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म के रिस्पेक्ट में, फोर्थ टर्म का थर्ड टर्म के रिस्पेक्ट में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए क्या है आपके पास। मान लीजिए ये आपके पास है 2, 4, 8, 16, 32, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। अब यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 रेशो द पावर 4, 2 रेशो द पावर 5। अब आप देख रहे हैं कि हर एक नेक्स्ट टर्म का, अब ये वाली A1 है, ये वाली A2 है, ये वाली A3 है, ये A4, ये A5, पोजीशन डिफाइन करता है ना, A1, A2, A3, A4, A5। मतलब किस पोजीशन पे आपका, किस पोजीशन पे आपकी टर्म है, कौन सी पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपकी, 2 है, यानी कि फर्स्ट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे A2 बाय A1 कितना आएगा, 2 स्क्वायर बाय 2, कितना निकल के आएगा, 2 स्क्वायर बाय 2 आपका कितना निकल के आएगा, 2 स्क्वायर बाय 2, 2 निकल के आएगा। A3 बाय A2 कितना, 2 क्यूब बाय 2 स्क्वायर, ये भी कितना निकल के आया आपके पास, फिर से 2 निकल के आया, फिर से कितना निकल के आया आपके पास, 2। आई चीजें समझ में, यानी कि हर एक टर्म का जब आप देखते हैं रेशियो अपनी प्रीवियस टर्म के साथ, रेशियो ऑफ एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस टू इस प्रीवियस टर्म इज कॉन्स्टेंट, कि हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से जो रेशियो है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। रेशियो क्या रहता है हर एक टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से, कॉन्स्टेंट। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब जनरली करते हैं, देखना कि मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3 An कोई भी सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर इसके अंदर A2 बाय A1 इक्वल आता है A3 बाय A2 के, और ये इक्वल आता है An बाय An-1 के, तो ये प्रोग्रेशन कैसी होगी आपकी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्योंकि इसमें क्या आता है, हर एक नेक्स्ट टर्म का अपने प्रीवियस टर्म से जो रेशियो है वो सेम आता है। आया कंसेप्ट समझ, क्लियर हुआ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो किससे डिनोट करेंगे, मैं आर से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, आर से। ठीक है, अब अगर आपको डिनोट करनी पड़ जाए, आपको निकालनी पड़ जाए, कौन सी टर्म निकालनी पड़ जाए आपको, nth टर्म आपको निकालनी पड़ जाए। ठीक है, तो nth टर्म, जैसे उसके अंदर था आपका nth टर्म का फॉर्मूला, इसके अंदर भी nth टर्म को, वो क्या होगा, A r रेशो द पावर n-1, A r रेशो द पावर n-1। यानी कि इस फॉर्मूले से हम जीपी को और भी अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यानी कि फर्स्ट टर्म अगर ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन रेशियो क्या है आर। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, जनरली हम कॉमन रेशियो क्या लेके चलते हैं, आर, और फर्स्ट टर्म को ए लेके चलते हैं। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म
ए आर की पावर फोर। अब यहां से देखेंगे आप हर एक का कॉमन रेशियो कितना निकल के आ रहा है, आर आर निकल के आ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म आपकी ए वन, सेकेंड टर्म आपकी ए टू, थर्ड टर्म आपकी ए थ्री, फोर्थ टर्म आपकी अरे क्यूब ए फोर। अब आप देखिए यहाँ पे टू है तो आर की पावर वन है, थ्री है तो आर की पावर टू है, तो एन है तो आर की पावर कितना होगा, एन है तो आर की पावर कितना होगा, इसको आप ए एन से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको टी एन से भी। एन है तो आर की पावर कितना होगा, एन माइनस वन आपके पास होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं करेंगे, करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हमारे पास क्या है। ये तो बात हुई किसकी, ये तो बात हुई किसकी, nth टर्म की। अगर एक सीक्वेंस के अंदर टर्म ही n है, अगर एक सीक्वेंस के अंदर टर्म ही n है, तो इस nth टर्म को हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। कौन सी टर्म भी बोल सकते हैं, इसको लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म मीन्स l, ठीक है। अगर n ही टर्म है तो इसका मतलब लास्ट टर्म होगी ये। आया चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब बात करते हैं सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी, सम क्या होगा n टर्म्स का। चलिए रफ कर दूं मैं इसको, फिर देखते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास, कि आपके पास a1, a2, a3, an कोई भी gp है आपके पास, तो उसका सम क्या होगा, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो जनरल एपी की नोटेशन, जीपी की नोटेशन क्या होती है, वैसे देखा जाए तो जनरल ईपी को आप कैसे डिनोट करते हैं, जनरल जीपी को a, ar, ar स्क्वायर, ar क्यूब, ये आपकी क्या बनती है, जीपी बनती है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते जाइए, r की वैल्यू पुट करते जाइए, आपकी कोई ना कोई जीपी बन जाएगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, कि जीपी की एन टर्म का सम क्या होगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, ए आर रेशो द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन। कब, जब आपका आर क्या है, ग्रेटर देन वन। जब आपका आर ग्रेटर देन वन होगा तो उस केस में आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, आर रेशो द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन इंटू ऊपर क्या करना है आपने, फर्स्ट टर्म, ठीक है। लेकिन जब आपका आर लेस देन वन होगा, आर लेस देन वन होगा तो क्या फॉर्मूला लगाना आपने, वन माइनस आर रेशो द पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर। अब ये क्यों किया, क्योंकि आर लेस देन वन है तो ही आप वन में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, इसलिए हमने किया। वैसे दोनों फॉर्मूले सेम ही है, सेम कैसे, यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए आर रेशो द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, निकल के तो सेम ही आना है वैसे भी देखा जाए तो। बस ये हम किस लिए यूज करते हैं, कि आपका आर लेस देन वन होता है तो पहले ही आपकी पॉजिटिव आ जाए, पहले ही आपकी एन टर्म का सम क्या आ जाए, पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव पे आपको मूव ना करना पड़े, आप सीधा का सीधा आपका क्या बन जाए, पॉजिटिव ही बन जाए। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होगा। अगर आपके पास ये इनफाइनाइट जीपी है तो इस इनफाइनाइट, अगर इसके अंदर तो अभी फिलहाल कितनी टर्म हम मान के चले थे, एन टर्म हम मान के चले थे, कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द, एन टर्म्स तो यही होगी ना, एन एथ टर्म तो यही वाली होगी, तो टोटल कितनी टर्म होगी आपके पास, एन टर्म। तो इन एन टर्म का सम तो ये आ गया। अगर आपके पास ये जीपी इनफाइनाइट चल रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसका सम क्या होगा, इसका सम क्या होगा। तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी अगर आपके पास है, अगर जीपी के अंदर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, देन द सम को किससे डिनोट करेंगे हम, एस इनफिनिटी से। और इसमें सम को किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। किससे डिनोट करते हैं, एस एन से, ठीक है। तो एस इनफिनिटी, अब एस इनफिनिटी क्या होगा, एस इनफिनिटी क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। और कंडीशन लगेगी इसके ऊपर कि जब आपका मोड आर क्या होगा, लेस देन वन होगा, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। कहीं आप ये सोचे कि हाँ इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देंगे, टू फोर ए, टू फोर एट 16, 32 अप टू इनफिनिटी, कि इसका आप सम बताइए क्या निकल के आएगा। इस पे आप जीपी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ऐसे इनफिनिटी का क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका आर कितना है, लेस देन वन नहीं है, आप इसका सम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट, समझ आई चीजें, कि आप इनफाइनाइट जीपी का सम, इस जीपी का सम आप इस तरीके से फाइनाइट नहीं कर सकते हैं। आप ये फॉर्मूला आप कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका मोड ऑफ आर क्या होगा, लेस देन वन होगा। यानी कि ये वाला फॉर्मूला किसके अंदर अप्लाई होता है, जब आपका कॉमन रेशियो, या फिर हम बोल दें जब आपकी जीपी फ्रैक्शंस के अंदर होती है, तो फ्रैक्शन के अंदर होती है तो कॉमन रेशियो हमेशा ही लगभग क्या आएगा, आपका लेस देन वन आएगा, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर आएगा, यानी कि वन बाय थ्री आ जाएगा, वन बाय फोर आ जाएगा। जैसे मैं जीपी का एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आपके पास ये जीपी है वन बाय टू, सम निकाल रहे हैं ना, वन बाय टू का स्क्वायर, वन बाय टू का क्यूब प्लस वन अप टू इन्फिनिटी। अगर इस जीपी का सम निकालना है तो इस जीपी का सम यहां से निकल आएगा इनफाइनाइट। अगर एस इन्फिनिटी यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे हम एस इन्फिनिटी निकाल सकते हैं, कैसे, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, आर भी कितना है, वन बाय टू, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से, वन आंसर निकल के आ गया।
क्लियर हुआ कंसेप्ट, तो कहां आपने जीपी का फॉर्मूला लगाना है, कहां नहीं लगाना है, एनएथ इन्फिनिटी वाला वो आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा फॉर्मूला किसमें लगेगा, जब आपका आर लेस देन क्या होगा यहाँ पे, वन होगा। आज कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से। चलिए एक एक और चीज देखते हैं कि एबीसी जब आपके जीपी में होते हैं, जब आपके कोई भी तीन टर्म है वो जीपी में है, अगर एबीसी आपके पास जीपी में है तो जीपी में इसका मतलब इनका रेशियो यानी कि बी बाय ए किसके इक्वल होगा, सी बाय बी के होगा या नहीं होगा, होगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे बी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी, यानी कि बी क्या आ गया आपके पास, स्केयर रूट ऑफ ए सी आपके पास आ गया। बी क्या आ गया यहाँ से, स्केयर रूट ऑफ ए सी, यानी कि यार एक रिलेशन और निकल के आ गया कि जब आपके पास ए बी सी कोई भी तीन नंबर है अगर वो एपी के अंदर है तो हमेशा बी स्केयर किसके इक्वल होगा, आपका ए सी के इक्वल होगा, या फिर बी किसके इक्वल होगा, आपका स्केयर रूट ऑफ ए सी के इक्वल होगा। आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम इसके कुछ रिजल्ट करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट है हमारे पास जीपी की। रफ कर दूं इसको, चलिए फिर देखते हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं, जितना हमने किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको साथ ही साथ अच्छे से समझ आता जाए कि हाँ कैसे हम जीपी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या रहने वाला है। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 की पावर 1 बाय 3, 9 की पावर 1 बाय 9, 9 की पावर 1 बाय 27, सो ऑन अप टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपने ये बतानी है कि इस ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे बताइए जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है, नहीं हो जाती है, हो जाती है ना, तो 9 की पावर क्या हो जाएगी, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 27 प्लस सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट तक चल रहा है, ये वाला चल रहा है ना इनफाइनाइट तक, ये ऊपर ये पूरा ही टर्म इनफाइनाइट तक चल रही है, मतलब ऐसे ऐसे चलती जा रही, तो ऊपर वाला भी इनफाइनाइट तक जा रहा है इसका मतलब। अरे 9 की पावर 1 बाय 81, 9 की पावर ऐसे चलता जाएगा 243, ऐसे सारी चीजें चलती जाएंगी, तो इनफाइनाइट तक जा रहा है यानी कि ऊपर वाला भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, सबको ऐड ही तो किया है हमने। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से देखिए ऊपर क्या बन गया, 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 का क्यूब प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये क्या बन गई आपकी, एक जीपी बन गई, बन गई या नहीं बन गई, जीपी बन गई, कैसे चेक करना है, सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म से रेशियो देखिए क्या निकल के आएगा, सेकंड टर्म का फर्स्ट 1 बाय 3, थर्ड टर्म का सेकंड टर्म से रेशियो निकाल के देखिए, निकाल के देख लीजिए भाई अगर दिक्कत आ रही है तो, 1 बाय 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 बाय 3, एक पावर है, एक पावर से एक पावर कट गई, कितना बच गया 1 बाय 3, ऐसे ही 1 बाय 3 का क्यूब है और नीचे है आपका 1 बाय 3, 1 बाय 3 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर से एक कटेगा तो पावर कितनी बचेगी, फिर 1 बाय 3 बचेगी। आया कंसेप्ट समझ, यानी कि ये क्या बन रही है आपकी, जीपी बन रही है विद कॉमन रेशियो कितना आ रहा है आपका 1 बाय 3, और फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1 बाय 3। आई चीज समझ, तो यानी कि इस पे जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं किसका, एस इन्फिनिटी, बिकॉज टर्म कितनी आपके पास, इनफाइनाइट टर्म, तो एस इन्फिनिटी क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, बिकॉज मोड ऑफ आर लेस देन आपका क्या है 1 है, कि आर का मोडलस आपका लेस देन 1 है। अब ये नेगेटिव होता तो भी हम यही वाला फॉर्मूला लगाते क्योंकि मोड की बात कर रहे हैं, और नेगेटिव क्वांटिटी मोडलस के अंदर लिखते हैं तो वो क्या रिजल्ट देती है आपको, पॉजिटिव रिजल्ट देती है, देती नहीं देती है, देती है ना। ठीक है, तो यहां से अगर देखें तो एस इंफिनिटी क्या निकल के आएगा, यानी कि 9 की पावर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस 1 बाय 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऊपर चल रहे 1 बाय 3, नीचे क्या आएगा 2 बाय 3, 3 से 3 कट गया तो 9 की पावर 1 बाय 2, 9 की पावर 1 बाय 2 का मतलब 9 का स्क्वायर रूट, अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 3 होता है, क्या होता है आपके पास 3 होता है। आई चीजें समझ, तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया इस एक्सप्रेशन का पूरा 3 आंसर निकल के आ गया, तो ऐसे आपने जीपी अप्लाई करनी है। क्लियर हुआ, नो प्रॉब्लम, करें मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहने वाला है हमारे पास, रब कर दूं इसको, फिर देखते हैं क्या रहेगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बस समझते जाइए कंसेप्ट क्या कह रहे हैं, बस कंसेप्ट समझ में आ गया ना, फिर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, एक सिंगल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं भी छोटी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्स 2x प्लस 2 3x प्लस 3 आर इन जीपी, देन आपको T4 फाइंड आउट करना है, यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, ये थ्री टर्म दी हुई है जीपी की, आपको फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है जीपी की। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जीपी में है, जीपी में इसका मतलब मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास अभी अभी थोड़ी देर पहले अगर ए बी सी आपके पास जीपी में है तो बी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, एसी होता है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होता है, नहीं होता है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से सॉल्व कर लीजिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए
सी। लिख दिया। अब यहां से देखिए, यहां से टू स्केयर कॉमन आ रहा है ना, टू स्केयर कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बन गया एक्स प्लस वन का स्केयर, और यहां से थ्री कॉमन आ रहा है, यहां पे क्या बन गया एक्स प्लस वन, एक एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कट गया, ठीक है जी कट गया, फोर इंटू एक्स प्लस वन थ्री एक्स, तो फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री एक्स को इधर ले जाइए तो एक्स इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ गई आपके पास माइनस फोर, एक्स इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई आपके पास माइनस फोर, आया कंसेप्ट समझ, ठीक है, तो एक्स की माइनस फोर वैल्यू आई तो यहां पे पुट कर दीजिए, निकालिए एक्स को पुट कर दीजिए, माइनस फोर फर्स्ट टर्म आ गई, सेकेंड टर्म टू इंटू फोर प्लस टू थर्ड टर्म, थ्री इंटू फोर प्लस थ्री तो कितना आया माइनस फोर, और ये माइनस सिक्स, और ये कितना निकल के आया माइनस नाइन आपके पास, तो आ गई टर्म। अब देखना रेशियो कितना आ रहा है इनका, कॉमन रेशियो देखना, माइनस सिक्स बाय माइनस फोर कितना निकल के आ रहा है थ्री बाय टू, माइनस नाइन बाय माइनस सिक्स कितना निकल के आ रहा है थ्री बाय टू, कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब क्या है ये जीपी है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगी, क्या होता है फॉर्मूला फोर्थ टर्म का, ए आर क्यूब, यही होता है ना फोर्थ टर्म का फॉर्मूला, तो ए कितना है आपके पास माइनस फोर, आर कितना निकल के आया है थ्री बाय टू, क्या करना है इसका क्यूब करना है, ठीक है तो कर दीजिए माइनस फोर थ्री क्यूब यानी कि ट्वेंटी सेवन, और डिवाइडेड बाय टू क्यूब यानी कि एट, तो फोर टू जा एट यानी कि माइनस ट्वेंटी सेवन बाय टू, तो फोर्थ टर्म क्या निकल के आई आपके पास माइनस ट्वेंटी सेवन बाय टू, इनफैक्ट आपने सारी की सारी टर्म्स ही निकाल दिए ना, तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है तो पजल होने की तो कहीं भी जरूरत ही नहीं है, ठीक है करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या रहेगा हमारे पास, रफ कर दो इसको, चलिए फिर देखते हैं क्या रहने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, छोटे से लेके बड़े तक हर एक कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेसिक से लेके एडवांस तक कुछ भी नहीं छूटने वाला है, कुछ भी नहीं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, टेंथ टर्म ओवर जीपी इज नाइन, टेंथ टर्म ऑफ अ जीपी इज नाइन, टेंथ टर्म कितनी दी हुई है नाइन, फोर्थ टर्म इज फोर, फोर्थ टर्म इज फोर, ठीक है देन फाइंड आउट द सेवंथ टर्म, कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, सेवंथ टर्म आपको फाइंड आउट, क्लियर हुआ, अब देखिए मुझे बताइए टेंथ टर्म क्या होती है, टेंथ टर्म ए आर रेशो द पावर नाइन कितना दिया हुआ है नाइन, फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है ए आर क्यूब, ये कितना होता है आपके पास कितना दिया हुआ है फोर, इनको डिवाइड करना जरा, डिवाइड करेंगे तो ए आर रेशो द पावर नाइन, ए आर रेशो द पावर थ्री इज इक्वल टू नाइन बाय फोर, ए से ए कट गया, आर की पावर कितना बच गया सिक्स, तो आर की पावर सिक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास नाइन बाय फोर, कितनी आई वैल्यू नाइन बाय फोर, अब आपको तो क्या इवेल्युएट करना है, क्या इवेल्युएट करना है सेवंथ टर्म यानी कि ए आर की पावर सिक्स, अब यहां से आर की पावर सिक्स की वैल्यू तो आ गई, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, अब हमें तो वैल्यू चाहिए किसकी, किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो अगर एक काम कर दे, अगर एक काम कर दे, इसका हम स्केयर कर दें, इसका अगर हम स्केयर कर दे, करना जरा स्केयर, ए आर क्यूब आपके पास फोर है तो आपने स्केयर कर दिया यहां से, तो ए आर क्यूब का स्केयर कितना हो जाएगा सिक्सटीन, तो यहां से ए स्केयर और आर की पावर कितना हो जाएगा सिक्स, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, पावर की पावर है तो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है तो ए स्केयर आर की पावर सिक्स कितना है नाइन बाय फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन, तो ए स्केयर कितना आ गया फोर मल्टीप्लाई सिक्सटीन बाय नाइन यानी कि सिक्सटी फोर बाय नाइन आपके पास आया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, तो यहां से ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू एट बाय थ्री आपके पास ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी, कितनी निकल के आ जाएगी एट बाय थ्री, ठीक है तो यहां से आपने क्या निकालना है सेवंथ टर्म निकालनी, निकाल दीजिए तो ए आर एच टू दी पावर सिक्स कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा आपके पास, निकाल दीजिए ए कितना है एट बाय थ्री, आर की पावर सिक्स कितना है नाइन बाय फोर, फोर टू जा एट, थ्री थ्री जा नाइन, कितना निकल के आ गया सिक्स, यानी कि सेवंथ टर्म क्या निकल के आई आपके पास सिक्स निकल के आई, क्या निकल के आई आपके पास सिक्स, बताइए आई कोई दिक्कत नहीं आई, कर लेंगे क्वेश्चंस, ठीक है करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, रफ कर दें इसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या रहने वाला है हमारे पास, चलिए देख लेते हैं अभी बस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या क्या है जीपी की, ठीक है इसको रफ कर देते हैं फिर देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है जीपी, चलिए देखिए एक्स दिया हुआ है आपको वन प्लस वाई बाय टू
प्लस वाई बाय टू स्क्वेयर प्लस वाई बाय टू क्यूब प्लस ऑन अप टू, और यहां पे क्या है मोड ऑफ वाई आपका क्या है लेस देन टू, मोड ऑफ वाई आपका क्या है लेस देन टू। अब मोड वाई लेस देन टू है, इसका मतलब मोड वाई बाय टू कितना है आपका लेस देन वन है, लेस देन वन है, यही मतलब हुआ। अब यहां से देखना जरा, यहां से देखिए जरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन रेशियो कितना आ रहा है वाई बाय टू बाय वन, वाई बाय टू स्क्वेयर बाय वाई बाय टू, यानी कि कितना निकल के आ रहा है वाई बाय टू जो कि आर है, और मोड ऑफ आर आपका क्या है लेस देन वन है। ये क्या आपकी इन्फाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है वाई बाय टू। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है कि वाई की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की वैल्यू। तो क्या होगी वाई की वैल्यू, सबसे पहले हम एक्स के अंदर इसको सोल्व करते हैं। तो एक्स क्या होगा, ये क्या आपकी इन्फाइनाइट जीपी, तो एक्स क्या दिया हुआ इन्फाइनाइट जीपी का सम। अब इन्फाइनाइट जीपी के सम का क्या फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर और मोड ऑफ आर इज लेस देन वन, वो तो कंडीशन हमने पहले ही सेटिस्फाई करा दी है, ठीक है। तो यहां से देखिए ए, ए का मतलब क्या है आपके पास वन डिवाइड बाय वन माइनस आर यानी कि वाई बाय टू, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो टू ऊपर चला जाएगा टू माइनस वाई। अब ये क्या आ गया, ये तो आपके पास एक्स आया ना, ये तो आपके पास एक्स आया, आपको तो वैल्यू वाई की निकालनी है तो निकालिए वाई की, टू एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू, तो माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स, तो y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x, टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय x, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा y निकल के आ जाएगा, यही तो आपको फाइंड आउट करना था, हो गया फाइंड आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, वैसे करवा चुकी हूँ लेकिन अभी आगे आ गया मेरे क्वेश्चन इसलिए मैं दोबारा करवा देती हूँ आपको। इनफाइनाइट इसका आपने क्या निकालना है, सम निकालना है, तो इनफाइनाइट टर्म्स है तो सम क्या है, अब क्या है ये इनफाइनाइट जीपी है नहीं है, है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म है वन बाय टू, सेकंड टर्म है वन बाय टू का स्क्वायर, थर्ड टर्म है वन बाय टू का क्यूब, तो क्या हो जाएगा इसका सम ए डिवाइड बाय वन माइनस आर, तो वन बाय टू डिवाइड बाय वन बाय टू कट के कितना आंसर आ जाएगा आपके पास वन आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपके पास वन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब कुछ करें प्रॉपर्टीज, चलिए प्रॉपर्टीज देख ले हैं या पोस्टुलेट जिसको हम बोल देते हैं कि जीपी की क्या क्या पोस्टुलेट, रफ कर दो इसको फिर देखते हैं क्या क्या पोस्टुलेट सेटिस्फाई करती है जीपी हमारी। चलिए अभी देख लेते हैं, देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, फर्स्ट देखिए क्या दिया, इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो कांस्टेंट, उसी टाइप से इफ ऑल द टर्म्स ऑफ अ जीपी इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो टर्म, नॉन जीरो टर्म से करना है क्योंकि जीरो से कर देंगे तो इनफाइनाइट जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना रेशो, ठीक है। नॉन जीरो कांस्टेंट या नॉन जीरो टर्म या नॉन जीरो कांस्टेंट, देन इट रिमेन अ जीपी विद द सेम कॉमन रेशो, इट रिमेन अ जीपी विद द सेम कॉमन रेशो, कॉमन रेशियो भी क्या रहेगा उसका सेम रहेगा, क्यों रहेगा क्योंकि आपने सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, फोर से अगर मल्टीप्लाई किया किसी जीपी को तो आप रेशियो निकालेंगे तो फोर बाय फोर तो कट ही जाएगा, तो कॉमन रेशियो क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। एग्जांपल देख, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, यही देख लेते हैं टू फोर एट सिक्सटीन, ठीक है इतना ही ले लेते हैं आगे तक। इसको मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई करना है, थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, थ्री से मल्टीप्लाई सिक्स, फोर थ्री जा ट्वेल्व, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर और 16 थ्री जा 48। अब देखना इसका कॉमन रेशियो क्या था आपके पास 2, अब इसका निकालिए 12 बाय 6, 24 बाय 12, 48 बाय 24, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, यानी कि अगर आप जीपी को, अगर आप जीपी के टर्म को किसी न किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपकी नई टर्म्स आती है, जो आपकी नई सीक्वेंस आती है, जो आपकी नई सीक्वेंस आती है वो भी क्या बनाएगी आपकी जीपी बनाएगी, और से विद द सेम कॉमन रेशियो। ऐसे ही डिवाइड के केस में अगर आप डिवाइड करते हैं किसी, मान ली टू से डिवाइड कर दिया तो वन टू फोर एट डिवाइड किया तो अब भी क्या बनी जीपी बनी, अब भी क्या बनी जीपी विद द सेम कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या रहेगा अभी भी टू रहेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं आई ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ अ गिवन जीपी फॉर्म अ जीपी, क्या कह रहा है ये, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी इज ऑल्सो फॉर्म अ जीपी, कि अगर आपके पास कोई जीपी है अगर उसके टर्म्स का आप रेसिप्रोकल भी कर देते तो भी क्या बनाएगी वो जीपी। जैसे इसी का एग्जांपल ले लेते हैं टू फोर एट सिक्सटीन, ठीक है। अब आपने इसके टर्म का क्या कर, ये जीपी है
जी हाँ है मैडम, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये भी क्या बनी, जीपी बनी, ये भी क्या बनी, इसका कॉमन रेशियो क्या था, 2, इसका कॉमन रेशियो क्या हो गया, 1/2, कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लेकिन जीपी रहेगी, जीपी वो रहेगी। अगर आप किसी भी जीपी के अंदर उसकी हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लेते हैं, जो नई सीक्वेंस बनी है वो भी आपकी क्या बनेगी फ्रेंड्स, जीपी ही बनेगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड पोस्टुलेट देख लेते, क्या हमारे पास, रफ कर दूं इसको, चलिए तभी देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारे पास थर्ड के अंदर। चलिए देखिए थर्ड क्या कह रहा है, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी इज बी रेस्ड टू अ सम पावर, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेस्ड टू सम पावर, अगर आप किसी भी जीपी के टर्म्स की, अगर आप किसी भी जीपी के टर्म्स की पावर को सेम पावर लगा देते हैं किस, या पावर उसकी रेज कर देते हैं यानी कि बढ़ा देते हैं, यानी कि सेम पावर आप लगा देते हैं सारी टर्म्स के ऊपर, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ जीपी, द रिजल्टिंग सीक्वेंस आल्सो फॉर्म अ जीपी, यानी कि देखना देखना जरा अभी देख लेते हैं हम यहां पे 2, 4, 8, 16, ठीक है। अब आपने क्या कर दी, इसकी पावर बढ़ा दी, कितनी पावर बढ़ा दी, मान लीजिए आपने इसकी पावर बढ़ा दी 2, 2, 2, कितनी पावर बढ़ा दी 2, 2, ठीक है, सेम पावर लगा दी आपने हर एक के ऊपर 2, 2, इसने बोला है ना हर एक के ऊपर सेम पावर लगानी है, सेम पावर, ठीक है। अब ये जीपी थी, हमें पता ही है भैया, तो जीपी है कितनी बार बताओगे मैडम, ठीक है जीपी है, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा देखना जरा, 4, ये क्या हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 256। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए, कॉमन रेशियो 4, कॉमन रेशियो 4, कॉमन रेशियो 4 आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगर आप किसी भी जीपी के हर एक टर्म के ऊपर सेम पावर रेज कर देते हैं तो वो भी क्या बनाएगी, आपकी जीपी ही बनाएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पोस्टुलेट क्या कह रही है, अब एपी के अंदर था ना, एपी के अंदर था कि बिगिनिंग से आप लेते हैं कौन से नंबर पे टर्म है और लास्ट से भी उसी नंबर पे टर्म आप लेते हैं, तो दोनों का सम किसके इक्वल होता है, फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। ऐसे ही प्रोडक्ट, अब इसके अंदर क्या चल रही है आपकी प्रोडक्ट, तो इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म, इन अ फाइनाइट जीपी द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है बिगिनिंग से भी और एंडिंग से भी, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के इक्वल होगा, यानी कि मैंने क्या बताया था आपको कि a1, a2, an अगर आपके पास जीपी है तो यानी कि यहां से इससे पहले वाली टर्म, चलिए एक एक दो टर्म लिख देती हूँ, an-1, an, ठीक है। अब यहां से आप देखें तो a2 की प्रोडक्ट अगर an-1 से करेंगे तो वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, a1 प्रोडक्ट an के इक्वल आएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें a2 की प्रोडक्ट an-1 से, ये भी किसके इक्वल आएगी, अच्छा a3 की an-2 से किसके इक्वल आएगी, आपका a1 और ए एन के इक्वल आएगी। आई चीज समझ, क्लियर हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए के की प्रोडक्ट ए एन माइनस के माइनस वन की आप प्रोडक्ट करते हैं तो किसके इक्वल आती है, वो ए वन की और ए एन की प्रोडक्ट की इक्वल आती है, वे के वेरी फ्रॉम 1, 2, 3 अप टू एन, कंसेप्ट आया समझ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट भी अप्लाई करने, प्रूफ करके देखना चाहते हैं, करके देख लीजिए, 2, 4, 6, 32, अब देखना जरा, और लूं क्या, और लूं, चलिए और देख लेते हैं 64, ठीक, क्या कर दिया ये 2, 4, 16, हाँ, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा लेने में थोड़ा दूसरा ले लिया, दूसरी ले लिया, चलिए ये वाली ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64, अब ठीक है। चलिए अब देखिए, इक्विडिस्टेंस सेकेंड टर्म लेते हैं और लास्ट सेकेंड टर्म लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4, 2, 8 और 4, 3, 12, यानी कि 128। अब थर्ड और
लास्ट से भी थर्ड टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना तो भी कितना आता है 128, और फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई करते तो भी कितना आता है 128, यानी कि अप्लीकेबल हो रहा है ये। आया कंसेप्ट समझ? चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है? रफ कर दें एक बार इसको, चलिए फिर देखते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या रहने वाला है हमारे पास। अभी रफ कर देते हैं एक बार इसको, फिर देखते हैं फटाफट से क्या रहने वाला, ठीक है? अभी देख लेते हैं, चलिए देखिए क्या कह रहा है ये। इफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल, जैसे आपने एपी को चूज किया था वैसे ही जीपी, ठीक है? इफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल दे ऑल्सो फॉर्म अ जीपी, तो वो भी क्या बनाएगा? द न्यू सीक्वेंस ऑफ फॉर्म ऑल्सो अ जीपी, द न्यू सीक्वेंस ऑल्सो फॉर्म्ड अ जीपी, यानी कि नई सीक्वेंस भी क्या बनाएगी? आपकी जीपी बनाएगी। एग्जाम्पल देखे, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1, 2, 4, 8, 16, 32 ये चल रहा है आपका, ठीक है? 1, 2, 4, 8, 16, 32 ठीक है? अब देखना जरा इसके अंदर से सेलेक्ट कर लें अगर 60, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके अंदर से सेलेक्ट करें रेगुलर इंटरवल, फर्स्ट देख ली, दो छोड़ के थर्ड, फिर दो छोड़ दी 64। अब जरा देखना क्या ये जीपी बना रहा है, जीपी कब बनाएगा? जब इसका कॉमन रेशो सेम होगा। देखना जरा कॉमन रेशो, 1 और 8 का कॉमन रेशो क्या आ रहा है? 8/1 कितना आ रहा है? फिर से कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 64/8 फिर से कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यानी कि कॉमन रेशो क्या निकल के आ रहा है यहां से? 8 निकल के आ रहा है। यानी कि अगर आप किसी भी जीपी की टर्म को रेगुलर इंटरवल पे सेलेक्ट करते हैं, रेगुलर इंटरवल पे उठाते हैं, तो वहां से क्या बनती है आपकी? एक और नई जीपी बनती है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास। अगर A1, A2, AN आपके पास जीपी के अंदर हैं, और अगर इफ A1, A2, A3, AN is a GP of non-negative terms, then log of A1, log of A2, and so on up to log of AN form an AP and vice versa. यानी कि अगर आपके पास A1, A2, AN जीपी के अंदर हैं, तो log of A1, log of A2 और log of AN आपके पास किसके अंदर होंगे? एपी के अंदर होंगे। और या फिर अगर log of A1, log of A2, log of AN आपके पास जीपी के अंदर हैं, सॉरी एपी के अंदर हैं, तो A1, A2, AN आपके पास किसके अंदर होंगे? जीपी के अंदर। जैसे एग्जाम्पल दें, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है हमारे पास। मान लीजिए ये वाला है 3, 9, 27, 80, ये आपके पास किसके अंदर है? जीपी के अंदर है। आपको चेक करना है कि log of 3, log of 9, log of 27, log of 81 किसके अंदर होंगे, है ना? चलिए देख लेते हैं। log of 3 इसको क्या लिख सकते हैं? log of 3 का स्क्वायर इसको, log of 3 का क्यूब इसको, log of 3 की पावर 4। अब आपको पता है कि log के अंदर जो एंगल होता है उसकी पावर कहां आ जाती है? आगे आ जाती है। तो यहां से क्या करेंगे? log of 3, तो ये क्या हो गया? 2 log of 3, 3 log of 3, 4 log of 3। आप देखना जरा हर एक का डिफरेंस चेक कीजिए, हर एक नेक्स्ट टर्म का अपनी प्रीवियस टर्म से डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। और कितना आ रहा है? log of 3 आ रहा है। यानी कि ये क्या बना रहे हैं आपके? एपी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आपके? एपी। आया कंसेप्ट समझ? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना, तो इस तरीके से आपको रिजल्ट अप्लाई करने हैं। देखिए अभी नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहते हैं, चलिए देख लेते हैं। अब अगर आपको वही सेम कंसेप्ट उसी तरीके से कि अगर आपको 3 टर्म सेलेक्ट करनी पड़ जाए, कि आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है कि फाइंड आउट द 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज प्रोडक्ट इज दिस, जिसकी प्रोडक्ट ये दी हुई है आप लोगों को, ठीक है? और सम इतना दिया हो, तो कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो वही सेम आपने कंसेप्ट लगाना है। व्हेन द 3 नंबर्स आर इन ए जीपी, देन उसको किस फॉर्म में लेंगे आप? A/R, A और AR की फॉर्म। किसकी फॉर्म में लेंगे? A/R, A और AR। अगर 5 नंबर्स हैं, एक बार एक टाइप पे कराती हूँ, 5 नंबर्स अगर जीपी के अंदर, तो किस फॉर्म में लेंगे? A/R, A, AR। यानी कि यहां से कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? जब आप ओड नंबर लेते हैं जीपी के अंदर,
ओड नंबर रहते हैं जीपी के अंदर, तो आपका रेशियो क्या रहता है, रेशियो कॉमन रेशियो आपका क्या रहता है, आर रहता है। क्या रहता है कॉमन रेशियो, आर। अगर आप फोर नंबर लेने हैं, आपने फोर नंबर्स इन अ जीपी, तो उसके वो आप लेंगे ए बाय आर क्यू, ए बाय आर, ए आर, ए आर क्यू। ऐसे ही अगर आपको सिक्स नंबर लेने हैं, सिक्स नंबर अगर लेने जीपी के अंदर, तो वो कैसे लेंगे, ए बाय आर की पावर फाइव, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर, ए आर क्यूब, ए आर। यहां से क्या सिमिलरिटी दिख रही है आपको कि यहां पे कॉमन रेशियो क्या रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा। कॉमन रेशियो क्या रहेगा, आर स्क्वायर। यानी कि जब आप इवन नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करते हैं तो कॉमन रेशियो क्या रहता है आपके पास, आर स्क्वायर। और ओड नंबर ऑफ टर्म सेलेक्ट करते हैं तो कॉमन रेशियो आपके पास क्या रहता है, यहां से आर रहता है। क्या रहता है आपके पास, आर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत बताइए, हुई नहीं हुई ना, ठीक है, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। करें अभी नेक्स्ट स्टेप, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास। रफ कर दूं इसको, चलिए फिर देखते हैं क्या रहने वाला है नेक्स्ट के अंदर हमारे पास। यानी कि यहां से क्या दिखा आपको, अगर ओड लेना है तो यानी कि आर की पावर क्या रहेगी, ओड रहेगी, और इवन लेना है तो आर की पावर क्या रहेगी, यहां से इवन। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये याद करने का तरीका बताया मैंने, बस ये याद करने का, कि रेशियो आपका ओड है तो यानी कि ओड की फॉर्म में, ऐसे आपको याद आ जाएगा कि हाँ आर टाइप का कुछ होगा, आर की पावर वन, ठीक है, या वन बाय आर, क्योंकि आप इसको उल्टा उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, ए आर पहले लिख सकते हैं, ए बाद में, और ए बाय आर बाद में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको थोड़ा सा याद करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट स्टेप, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की बारी आती है फ्रेंड, क्वेश्चन क्या क्या हमारे पास, रखो दी क्वेश्चन देखते, फिर हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या होता है। अब एपी जीपी आपकी क्या हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी। फाइनाइट जीपी होगी तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होगी, और इनफाइनाइट जीपी होगी तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है फ्रेंड, द नंबर विच should be added to the number, the number which should be added to the number, two, four, 62, so that resulting numbers may be in GP. resulting numbers may be in GP, कि हम इन टर्म्स के अंदर ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो किसमें बनेगा, जीपी। मान लीजिए हम x ऐड कर देते हैं, मान लीजिए हम क्या ऐड कर देते हैं x, तो आपने क्या कर दिया यहां से 2 प्लस एक्स, क्या कर दिया आपने 2 प्लस एक्स, यानी कि x प्लस टू या 2 प्लस एक्स कैसे भी लिख सकते हैं, x प्लस टू, x प्लस 14 और x प्लस 62। अब अगर ये जीपी होगी, अब अगर ये जीपी होगी तो इसका मतलब क्या होगा, बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी होगा। तो यानी कि यहां से अगर करें तो एक्स प्लस 14 स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 62। इसको खोल दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 196 स्केयर का होगा ना 196, और यहां से सोल्व करेंगे तो 28 प्लस 28x, और इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस 64x प्लस 224 आपके पास। एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कट गया आपके पास, 128 को उधर ले जाइए, 124 को इधर ले जाइए, तो क्या बचेगा 36x उधर बचेगा, 72 इधर बचेगा, 72 इज इक्वल टू 36x, 64 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 36 बचेगा, ठीक है। और यहां से 124 में से 196 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 72। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। तो पुट करके देखो जरा x की वैल्यू यहाँ पे 2, तो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया यहाँ पे 28, और ये कितना हो गया यहाँ पे 60 आपके पास 4 कितना हो गया 16, ठीक है। अब देखना जरा यहां से इसका आप रेशियो देखिए, 16 by 4 4, 64 by 4 कितना आ रहा है 4, तो यानी कि ये क्या बन गई आपकी, एक जीपी बन गई है। और आपने एक क्या ऐड किया आपने इनके अंदर, 4 ऐड किया, क्या ऐड किया आपने 4 ऐड किया, 2 ऐड किया, फर्स्ट टर्म तो 4 आई है ना, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना आया है, वो 4 आया है आपके पास, ठीक है। चले अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या रहने वाला हमारे पास, रफ कर दूं इसको, चलिए देख लेते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। देखिए फ्रेंड क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ अ जीपी बी
125:152 देन आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि आपके पास एक जीपी है और जीपी के अंदर फर्स्ट थ्री टर्म का रेशियो उसके फर्स्ट सिक्स टर्म के सम का बात करें, जिसका रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का सम की बात कर रहे हैं और सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म का किसके इक्वल है 125:152, तो आपको आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। अब जरा बताइए सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला एस थ्री तीन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय आर रेशियो दी पावर एन या 1 - r रेशियो दी पावर n, ठीक किसी भी तरीके से लिख सकते हैं आप लोग, तो r रेशियो दी पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 यही होगा एस एन का फॉर्मूला यही होगा आपके पास, ठीक है। अब यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास a s3 आपको निकालना है तो 3 पुट कर दें यहां पे, तो s3 क्या हो जाएगा a r की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, 1 माइनस r से करना 1 माइनस r से कर सकते हैं, ठीक है। s6 a r की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, अब तो रेशियो दिया हुआ है s3 बाय s6, तो a r क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 और a r की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 कितना दिया हुआ है 125:152, r माइनस 1 से r माइनस 1, a से a कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा r क्यूब माइनस 1 इंटू 152 इज इक्वल टू 125 r की पावर 6 माइनस 1। अब r की पावर 6 को क्या r क्यूब का स्केयर नहीं लिख सकते क्या, और 1 को 1 का स्केयर लिख सकते हैं ना, क्या बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर, तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा a माइनस b a प्लस b, ये कट गया r क्यूब माइनस 1 से r क्यूब माइनस 1, क्या बचा 152 इज इक्वल टू 125 r क्यूब प्लस 125, 125 को इधर ले जाइए माइनस हो जाएगा तो क्या बचा 125 r क्यूब, तो यहां से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका 27, कितना बचेगा आपके पास 27, तो 27 इज इक्वल टू 125 r क्यूब, तो r क्यूब की वैल्यू क्या आई आपके पास 27/125, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 3/5, कितनी वैल्यू आ गई r की आपके पास 3/5, बताइए आया कंसेप्ट समझ, हुई कोई दिक्कत, नहीं हुई ना, तो इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाने और अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाने। करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, रेफर कर दो इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा हमारे पास, बस आपका बेस क्लियर होना चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ आप लोगों को, बेस क्लियर कीजिए अपना, और बेस क्लियर करवाने के लिए हम आपके लिए हैं यहाँ पे, और साथ के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम अवेलेबल करा रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आपके क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ एक्स ग्रेटर देन वन आपको दिया हुआ है, लॉग ऑफ 2x लॉग ऑफ 3x एंड लॉग ऑफ एक्स 16, यहां पे 16 दिया हुआ, ये किसके अंदर दिया, जीपी के अंदर दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, हम देखना जरा कैसे करते हैं, अब देखना मुझे, अब अगर जीपी के अंदर है तो क्या हो जाएगा 2 log of 2 होगा या स्केयर होगा, स्केयर होगा, b स्केयर इज इक्वल टू ac log of x 16, अब 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, अब यहां से जरा मुझे बता दीजिए एक बात, यहां से 2 की पावर 4 है तो 4 पावर कहां आ जाएगी, आगे हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा log of x 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या है log of 2x और 4 पावर आगे आ गई है log of x 2, ठीक है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 4 ये क्या है log of x by log of 2 और ये क्या है log of 2 by log of x, यही मतलब होता है log of m by n का मतलब यही होता है ना, बेस में आपके n है और ऊपर आपका m है तो log of m by log of n, यहां से ये चीज कट गई आपकी, तो क्या निकल के आया राइट साइड से, तो क्या निकल के आया आपके पास 4, क्या निकल के आया राइट साइड से आपके पास 4 निकल के आया, लेफ्ट साइड से देखिए क्या निकल के आ रहा है log of 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है 4 है, अगर ये 4 है तो log of 3x क्या होगा आपके पास 2, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दिया क्या होगा आपके पास 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, प्लस माइनस 2 करेंगे तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो log of x बाय log of 3 इज इक्वल टू 2, तो दिस इंप्लाइज log of x इज इक्वल टू 3 log of 2, क्या है 2 log of 3, है ना, लिखना कुछ और होता है लिखा कुछ और जाता है, 2 log of 3, अब 2 पावर आगे आ सकती है तो पावर में भी तो जा सकती है ना, इसको क्या लिख सकते हैं
लॉग ऑफ थ्री का स्क्वायर, अब यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, लॉग से लॉग कट जाएगा तो एक्स कितना बचेगा, थ्री का स्क्वायर, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, नाइन निकल के आई। कितनी निकल के आई एक्स की वैल्यू आपके पास, नाइन। बताइए आया कंसेप्ट समझ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। बस आपको लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए, ठीक है। जीपी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन तो लॉगरिथमिक के ही पूछते हैं, ये इंटीग्रेशन के भी कई बार घुसा देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक चैप्टर हम देखेंगे ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। सेकेंड टर्म आपको दी हुई है टू, सेकेंड टर्म आपको दी हुई है टू, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म कितना दिया हुआ है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ अ जीपी, ये जीपी है, जीपी की सेकेंड टर्म कितनी है टू, और इनफाइनाइट टर्म का सम कितना दिया हुआ आपके पास, एट दिया हुआ। ये चीजें दी हुई है तो आपको जीपी निकालनी है कि जीपी क्या होगी, जीपी निकालनी है, जीपी के टर्म्स क्या क्या होंगे, ठीक है, वो हमें देखना है। अब चलिए देखिए करते हैं। अब सेकेंड टर्म क्या होता है, अब जीपी अगर मान के चले तो ए ए आर ए आर स्क्वायर ऐसे ही कुछ होगा, तो सेकेंड टर्म यानी कि ए आर कितना है आपके पास, टू, ठीक है। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म यानी कि ऐसे इन्फिनिटी कितना दिया हुआ, एट, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, ए डिवाइडेड बाय वन माइनस आर होता है, ठीक है। अब यहां से अगर हम ए आर निकालें, यहां से अगर ए आर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए आर बाय आर माइनस आर स्क्वायर, मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एट। अब ए आर की वैल्यू कितनी आई हुई है, टू, रख दीजिए टू, टू बाय आर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एट, तो एट आर माइनस एट आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एट आर स्क्वायर माइनस एट आर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर यही है। तो r की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई, वन बाय टू, r की वैल्यू क्या निकल के आई यहां से, वन बाय टू। अब r की वैल्यू यहां पुट कर देंगे आप लोग तो a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहां से देखना जरा a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, a कितना आ जाएगा आपके पास, फोर, बस इसके अंदर पुट कर दीजिए टर्म्स के अंदर, a कितना है फोर, फर्स्ट टर्म फोर, सेकेंड टर्म टू दी हुई है, थर्ड टर्म a इंटू आर स्क्वायर यानी कि फोर इंटू वन बाय टू का स्क्वायर, नेक्स्ट फोर इंटू वन बाय टू का क्यूब, ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोर टू वन वन बाय टू, ऐसे आपकी क्या निकलती जाएंगी, ये जीपी की टर्म्स निकलती जाएंगी। आई चीजें समझ, तो जीपी निकालना भी आपसे पूछ सकता है कि जीपी कैसे निकलेगी और क्या क्या कंडीशन आपको दे सकता है, वो आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करें जीएम यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, जैसे अर्थमेटिक मीन होता है, किसी भी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास, क्या होता है, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालो तो a प्लस बी बाय टू ना, ऐसे ही मैंने स्टार्टिंग में आपको एक रिजल्ट करवाया था कि ए बी सी अगर आपके पास जीपी के अंदर, अगर आप वहीं से रिजल्ट निकल के आएगा, अगर आपके पास ए बी सी जीपी में है तो आपके पास बी स्केयर क्या होगा, ए सी, यानी कि बी क्या होगा, स्केयर रूट ऑफ ए सी। तो ये बी क्या है इन दोनों का, ज्योमेट्रिक मीन है, क्या है ये बी इन दोनों का, ज्योमेट्रिक। अब मीन है बी, ऑब्वियसली बात है दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब मीन है। अब ज्योमेट्रिक मीन क्योंकि ये जीपी है तो जीपी से क्या बन जाएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन आपका बन जाएगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। अब नॉर्मली करना चाहते हैं नॉर्मली कर सकते हैं, ये कोई भी ए और बी दो नंबर है, इन दोनों के बीच में कोई ज्योमेट्रिक मीन लाई करा तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए भाई। अब ऑब्वियस ही बात है ये क्या है आपकी जीपी है, जीपी तो देगा, जीपी का ही तो ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, बिना जीपी के ज्योमेट्रिक मीन निकाल देंगे नहीं ना, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, जीएम बाय ए इज इक्वल टू बी बाय जीएम, जीएम स्केयर इज इक्वल टू ए बी, तो जीएम क्या हो जाएगा, स्केयर रूट ऑफ ए बी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आपके पास, स्केयर रूट ऑफ ए बी आपके पास होगा। आई चीजें समझ, ठीक है। अब अगर आपके पास एन नंबर्स, अगर आपके पास एन नंबर्स है, इफ ए वन ए टू ए थ्री ए एन आर इन, आर नॉन जीरो नंबर्स, आर नॉन जीरो नंबर्स, देन देयर ज्योमेट्रिक मीन इज, ज्योमेट्रिक मीन आप देखना, दो नंबर थे तो आपने क्या किया, दोनों नंबर की मल्टीप्लाई और उसकी पावर कितनी, वन बाय टू। अगर आप कितने नंबर है, एन नंबर से, कितने नंबर है, एन नंबर, तो एन नंबर है तो एन नंबर की मल्टीप्लाई और की पावर वन बाय एन, दो नंबर है तो दो नंबर की मल्टीप्लाई की पावर वन बाय टू। तो n नंबर्स है, n नंबर्स का आपने gm निकालना है तो क्या होगा, n नंबर की मल्टीप्लाई और की पावर आपके पास 1 बाय n आपके पास होगी।
आया कंसेप्ट समझ, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड वन बाय ए इज वन। द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड वन बाय ए इज वन, वन बाय ए इज वन, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे वन बाय ए है, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन लाई कर रहे हैं, कितने मीन लाई कर रहे हैं एन, तो इन इन सबकी प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, इन सबकी प्रोडक्ट आपके पास क्या होगी, क्या होगी, वन होगी, क्या होगी आपके पास, इन सबकी प्रोडक्ट वन होगी। आई चीजें समझ, अर्थमेटिक मीन में क्या किया था, अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है, ए और बी कोई दो नंबर, उनके अंदर एन अर्थमेटिक मीन लाई करे तो उनका सम किसके इक्वल होगा, एन टाइम ए एम ऑफ ए एंड बी, तो ये भी तो यही होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहां से देखिए, रफ कर दूं मैं इसको, रफ कर दूं एक बार, अगर आपके पास एन जी एम आते हैं ए और बी के बीच में, अगर ए और बी के बीच में एन जी एम है तो आपके पास आर क्या होगा और जी वन जी टू जी एन क्या होंगे, उसको आप क्या लिख सकते हैं वो देखना जरा एक बार। आपने लिखे थे ना अर्थमेटिक मीन, लिखे थे ना आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास क्या है, ए और बी कोई भी दो नंबर है और इसके अंदर आपके पास है जी वन जी टू जी थ्री जी एन, ये क्या है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। देन देन आपके पास आर क्या होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन। आई चीज समझ, कहां से आया ये, कहां से आया मैडम, रटवा रहे हो आप लोग तो, नहीं बेटा रटवा नहीं रहे हैं, कहां से आएगा ये देखना, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ, ये कौन सी एन प्लस वन है, ये एन प्लस टू टर्म, तो बी क्या है एन प्लस टू टर्म, और एन प्लस टू टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेश टू दी पावर एक कम हो जाती है, ए आर रेश टू दी पावर एन प्लस वन, तो बी बाय ए इज इक्वल टू आर रेश टू दी पावर एन प्लस वन, तो आर कितना आ गया, बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन आपके पास। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, तो आर क्या निकल के आ गया, बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन। अगर आपको जीवन निकालना तो जीवन क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है क्या होता है, ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर रेश टू दी पावर एन, यही होगा, तो ए आर, ए आर का मतलब ए बी बाय ए की पावर वन बाय एन प्लस वन, यही होगा। आई चीज समझ, जी टू क्या होगा, ए बी बाय ए की पावर आर स्केयर, आपके पास होता है स्केयर तो क्या हो जाएगा, टू बाय हो जाएगा, टू बाय एन प्लस वन। जी एन क्या होगा, ए बी बाय ए की पावर एन बाय एन प्लस वन। बताइए आई कहीं कोई दिक्कत नहीं आई ना, बस कंसेप्ट आप अप्लाई करते जाइए। अब यहां से अगर आपको इनका क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है, क्या निकालनी है, इन सबकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, नेक्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, जी वन इंटू जी टू इंटू जी एन, इसी से मैंने निकाला है, इसी से ए और बी के बीच में अगर जी वन जी टू जी एन आपके लाई कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं आप जी एन को, एन जी एम्स को इंसर्ट कर रहे हैं, तो जी वन जी टू जी एन क्या होगा, आर क्या होगा और इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, यहां से देखना जरा, अगर इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो नॉर्मल फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, कि दोनों का जी एम की पावर कितनी हो जाएगी, वन बाय एन, कितना, सॉरी सॉरी क्या लिख दिया मैंने, अब एक का जीएम क्या होता है, स्केयर रूट ऑफ ए बी, एक का जीएम क्या होता है, स्केयर रूट ऑफ ए बी होता है, ठीक है। अब उसकी पावर क्या करनी है, आपने एन करनी है, उस क्वेश्चन में भी तो हमने ऐसे ही किया था कि ए इंटू वन बाय ए की, ए का रूट किया फिर उसकी पावर क्या की, एन की, उसकी पावर क्या की आपने, एन की, यही तो आपने किया, ठीक है। तो ये क्या मतलब होता है, एन बाय टू, इसका मतलब क्या होता है आपके पास, एन बाय टू, तो यानी कि अगर आपके पास जी वन जी टू जी एन है, ए और वन बाय ए वाला केस यही तो निकल के आया, ए और वन बाय, अगर आप ए और वन बाय ए के अंदर एन जी एम घुसाते हैं तो क्या होगा, वो उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, क्या होगी देखना जरा, ए मल्टीप्लाई वन बाय ए की पावर एन बाय टू, तो वन की पावर कुछ भी कर दीजिए, मैंने क्या बताया था, क्या निकल के आना है, वन निकल के आना है, तो इसी तरीके से ही। और ये क्या है, ये क्या होता है, ये ए बी की पावर वन बाय टू की पावर एन, ये क्या होता है, जी बिटवीन जी एम ऑफ ए एंड बी, जीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या होता है ये जीएम, तो इसको हम नॉर्मली किससे डिनोट कर देते, जी से, तो जी की पावर क्या हो जाएगी, ये एन आपके पास हो जाएगी, जी की पावर क्या हो जाएगी, एन। आई चीजें समझ, बताइए क्लियर हुआ कंसेप्ट, करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया है जीपी के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी नेक्स्ट में क्या रहने वाला है हमारे पास।
देखिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या है कि टू नंबर्स हुज एएम इज 34, दो नंबर है आपके पास हुज एएम इज 34 एंड जीएम इज 16, कौन कौन से नंबर होंगे आपने बताने। अब मान लीजिए दो नंबर क्या है, ए और बी। अब ए एम है मतलब ए प्लस बी बाय टू, कितना है 34, यानी कि ए प्लस बी कितना हो गया यहां से 76। अब जीएम है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, कितना है 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि यहां से ए बी कितना आ गया आपके पास 68, 4 2 8 और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 68 वहां पे हो जाएगा। ठीक है, गलती से लिखा गया। तो ए बी कितना हो जाएगा यहां से, इसका स्क्वायर करेंगे तो 256 आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए इस एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे कर सकते हैं। ए और बी की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आपको ए माइनस बी मिल जाए तो आप वहां से दो इक्वेशन बन जाएगी, वहां से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं आप, ए माइनस बी के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। अब ए माइनस बी को ये क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमें पता है, 68 का स्क्वायर माइनस 4 256। इसको आप सोल्व करेंगे ना, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आना है, पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो ये निकल के आना है 3600। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 60, यानी कि a माइनस बी कितना आ गया आपके पास 60, a प्लस बी कितना है 68। ये करके देख लेना, इसका स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3600 और a माइनस बी कितना है 60, तो यहां से 2a कितना 128। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 64, a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 64। तो a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो 64 इंटू बी इज इक्वल टू 256। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो एक तो क्या हुआ 64 और b क्या हुआ 4। ऐसे दो नंबर है जिनका अर्थमेटिक मीन तो कितना है 34। देख लीजिए 64 प्लस 4 68, 68 बाय 2 इज 34। 64 इंटू 4 256 और 256 का रूट करेंगे तो क्या आएगा 69। आया कंसेप्ट समझ? हुई कोई दिक्कत? नहीं हुई ना, कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, रेशियो ऑफ ए एम टू जी एम, रेशियो दिया हुआ है किस किस का, चलिए सबसे पहले एक एक रिजल्ट कराती हूँ, बाद में करेंगे उसको, रिजल्ट को ही अप्लाई करेंगे इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट को ही अप्लाई करेंगे। एक रिजल्ट कराती हूँ, क्या है, इफ ए एम एंड जी एम बिटवीन आर इन द रेशियो, इफ ए एम एंड जी एम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ, कोई भी दो नंबर है उनका ए एम और जी एम है, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन, आर इन द रेशियो ऑफ एम रेशियो एन, देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, तो ये ए रेशियो बी क्या होगा, देन रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। दो नंबर क्या माने हमने, ए और बी, यानी कि आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी आपको निकालना है। अब आपको दिया क्या हुआ है, ए एम और जी एम का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एम रेशियो एन, क्या दिया हुआ है, एम रेशियो एन आपको दिया हुआ है। जरा देखिए यहां से, अब आपको क्या पता है ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू, जी एम क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, कितना दिया हुआ है, एम बाई एम दिया हुआ है। कोई दिक्कत, स्केयरिंग कर दीजिए दोनों साइड, ए प्लस बी का होल स्केयर 4ab एम स्केयर बाई एम स्केयर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहां से आप अप्लाई कर दीजिए, यहां से आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4ab एम स्केयर माइनस एन स्केयर बाय एन स्केयर। कर सकते हैं ये चीजें आप अप्लाई, अगर आपके पास a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी है तो a माइनस बी बाय बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाय डी होगा, ठीक है, कंपोनेंटो डिविडेंडो से पहले जो हम काम करते हैं वही काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं ना। अरे देख लीजिए भाई, 7/2 इज इक्वल टू 14/4, 7-2/2 इज इक्वल टू 14-4/2, क्या ये है, चेक कर लीजिए भाई, 5/2 इज इक्वल टू 10/14/4, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या है या नहीं है, रिजल्ट मैच कर लीजिए जरा। तो क्या माइनस 4ab भी ऊपर माइनस नहीं कर सकते हैं, दोनों साइड डिनोमिनेटर को माइनस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, जो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं उससे पहले वाली प्रोसेस हम कर रहे हैं,
ठीक है, आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अब जरा देखिए यहां से, यहां से इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4ab, और यहां से क्या आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन, इसको वन और इसको टू मान लीजिए। अब वन और टू को आपस में डिवाइड कर दीजिए, वन और टू को आपस में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 4ab से तो 4ab कट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा, ऊपर से एम स्क्वायर, नीचे से क्या बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब क्या अप्लाई कर सकते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर दो, अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, उससे पहले एक काम कर लीजिए, उससे पहले एक काम करिए, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, दोनों साइड क्या लगे लगा दीजिए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा एम, और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। अब कब अप्लाई कर दीजिए, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, कंपोनेंट और डिविडेंडो में क्या होता है, ऊपर एडिशन हो जाती है दोनों की और नीचे क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्शन, तो ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ऊपर एडिशन नीचे क्या, सब्ट्रैक्शन, नीचे क्या, सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन दिए होंगे तो डायरेक्टली आप रिजल्ट अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं कि पूरा निकाल के दिखाएंगे, इसलिए मैं आपको रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगी उस टाइप के क्वेश्चन, उसमें यही वाला रिजल्ट लगेगा आपके पास। ठीक है, तो यहां से बी से बी गया, यहां से ए गया, तो टू ए बाय टू ए, टू ए बाय टू बी, टू से टू कर गया, तो ए बाय बी किसके इक्वल आया, एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि ए बाय बी किसके इक्वल आया, यहां से एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर है उनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अगर एम रेशियो एन में है तो वो दोनों नंबर किस रेशियो में है, एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर में होंगे। इसलिए मैंने आपको क्या कराया है, अभी पहले ये वाला रिजल्ट करा दिया मैंने आपको, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्टली रिजल्ट अप्लाई करेंगे, और आप, मैं तो रिजल्ट से निकालूंगी और आप इसी मेथड से उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, ठीक है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हो जाएगा वो, तो क्योंकि इसके अंदर दो नंबर है, नंबर के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं से और बी की वैल्यू निकल ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर तो नंबर नहीं थे ना, इसके अंदर तो एम और एन थे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती सिचुएशन, इसलिए हमें कंपोनेंट और डिविडेंड वगैरह अप्लाई करना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए मैं सीधा रिजल्ट लगा के करवाऊंगी अभी आपको, आपने उसको बेसिक अप्रोच से करना है, कि जनरल अप्रोच क्या कहती है वो उससे आपने करना है, ठीक है, सॉल्व करना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, कि रेशियो ऑफ ए एम एंड जी एम, कि ए एम और जी एम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:3 बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, ठीक है, ए एम ऑफ ए और बी के बीच का एक ए एम है और ए और बी के बीच का एक जी एम, और उन दोनों का रेशियो क्या दिया हुआ है आपको, ए एम रेशियो जी एम क्या दिया हुआ है, 5:3 आपको दिया हुआ है। वही तो हुआ कि अगर ए एम इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी एंड जी एम इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन द रेशियो ऑफ ए एम टू जी एम इज एम रेशियो एन, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ए एंड बी इज व्हाट, उन नंबर का रेशियो क्या होगा, उन नंबर का रेशियो क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रिजल्ट अप्लाई कर दे, क्या होगा नंबर का रेशियो, क्या बताया था मैंने, ये आपके पास एम बाई एन के इक्वल है, क्या होगा एम प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो क्या हो जाएंगे नंबर, देखना जरा क्या हो जाएंगे, 5 + 5² - 3² डिवाइड बाय 5 - 5² - 3² तो कितना होगा, ऊपर से 5 + 4 नीचे से 5 - 4 यानी कि 9/1 यानी कि ए रेशो बी कितना आ गया, 9:1 निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया आपके पास, 9:1। और आपको किससे करना है, आपको बेसिक अप्रोच से करना है, ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाय टू, जी एम क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, कितना दिया हुआ है, 5/3 आपको दिया हुआ है। यहां से आप क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे और वहां से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आपको इस तरीके से करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा, अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, और मिसलेनियस तो हम करने ही वाले हैं, जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है। तब तक के लिए आप अपने लेवल पे किसी भी बुक से, आप कोई भी बुक प्रेफर कर रहे हैं वहां उस बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
मेल आईडी भी दी हुई है, तो आप वहां पे हमें मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी हर एक प्रॉब्लम को रिजोल्व किया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो तब तक के लिए जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माई फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।